सेना में पदस्थ जवान ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती के पिता को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेज दिया और ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर भंवरकुआं थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और युवती दोनों मंडलेश्वर के रहने वाले हैं। पीड़िता 2015 में 12वीं में थी। वहां उसकी मुलाकात कपिल पाटीदार नाम के युवक से हुई। इसके बाद दोनों फेसबुक पर दोस्त बने, बातें करने लगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 नवंबर 2017 को दोस्त की पार्टी में आरोपी कपिल और पीड़िता मिले। तब कपिल ने बताया कि वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है। 2018 में कपिल लौटा और छात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उससे मिलने इंदौर पहुंचा। उसने पीड़िता को नौलखा में रहने वाले अपने दोस्त के घर बुलाया और साथ घूमने का दबाव बनाया। आरोपी कपिल उसे जबरदस्ती विजयनगर स्थित एक होटल में ले गया और रेप किया। इस दौरान उसने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। ये भंवरकुआं थाने में 376 की रिपोर्ट कल हुई है। मंडलेश्वर की रहने वाली लड़की है और उसने उसका ऐसा कहना है कि वो यहाँ पढ़ती थी रह के, और जब उसी दौरान उसके आरोपी से संपर्क हुआ था और आरोपी ने फिर उसको दो झांसे में लेके और जबरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाए, उसको ब्लैकमेल भी किया और उसकी कुछ फोटोज वगैरह भी उसके फादर को भेजी। और इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो धाराएं बनती हैं उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की हम लोग गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं। आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? ऐसा बताया कि वो उसमें काम करते हैं, लद्दाख पोस्टिंग है और शायद सेना में काम करता है। और उसकी डिटेल हम लोग लेंगे। अभी तो ये फरियादिया ने जो बताया वो वर्जन सामने आया है। इसके बाद क्लियर जांच के बाद और सारी चीजें देने के बाद पता चलेगा। अमेरिका में